रंग रंग थुन क्रालन बान ब्यून ब्यून कोर नख नकोश रह बख्श तम सर परवरदिगारो ते क्यों वाती यो म्यान मरने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेडलाइन स्टूडियो और मैं आपके साथ सुरखाब जहरा। नाज़रीन, बात अगर वादी कश्मीर के यूथ की करें तो यहाँ का यूथ जो है किसी भी शोबे में पीछे नहीं है। चाहे हम बात सिंगिंग की करें, चाहे हम बात डांसिंग की करें, या चाहे हम बात राइटिंग की करें। अगर जो देखा जाए तो पुराने ज़माने में जितने भी मशहूर शायर अदीब थे तो वो भी कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते थे, जिसमें लाल ऐश्वरी यानी कि लाल दैद जिनको कहते थे वो भी कश्मीर की रहने वाली थी। जून यानी कि हबा खातून वो भी हमारे इस कश्मीर की रहने वाली थी। चाहे हम वहाब खार की बात करें या रसूल मीर की बात करें, तो बड़े बड़े शायर जो है वो हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे। इस वक्त भी हमारे साथ कश्मीर की एक बेटी मौजूद है जिसने कम उम्र में किताबें लिखी है, शायरी की है। तो कैसे इनकी ये ज़िंदगी का सफ़र जो है शुरू हुआ है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपसे आपका तारुफ जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करती है और आपकी तालीम और तरबियत जो है वो कहाँ से शुरू हुई है। अब मेरा नाम सालेहा है, सालेहा शबीर, और मैं डलगेट से बिलोंग करती हूँ। जो मेरी स्टडीज़ है वो मिंटो सर्कल हायर सेकेंडरी से हो गई है और उसके बाद मैंने इस्लामिया कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो सालेहा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने जो किताबें लिखी है, ये किताबें लिखने का शौक़ आपको कहाँ से पैदा हुआ। बचपन से ही था, लेकिन पैदा इस चीज़ से हुआ कि एक बार ही टीचर ने बोला कि एक पोएम लिख दो, फिर उन्होंने इनक्रेज किया कि तुम शायद लिख सकती हो। नहीं पता था कि शायद लिख भी सकती हूँ कि नहीं, बिकॉज़ कोई ऐसा हॉबी नहीं थी इनिशियली राइटिंग की। बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए राइटिंग हैज़ बीन एक्सीडेंटल, सो नथिंग पर्टिकुलर। तो आपने जो ये किताबें लिखी है, इनमें से कोई एक किताब जो है जो आपको बेहद पसंद हो, या उस किताब के रिलेटेड आपकी जो कोई ऐसी बातें हो जो उस किताब में जुड़ी हुई हो। सी जब एक राइटर अपनी कोई किताब लिखता है वो बिल्कुल उस माँ की तरह होती है जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो कभी भी कोई राइटर ऐसा नहीं होगा जो आपको बोलेगा कि मुझे ये वाली किताब ज़्यादा पसंद है और वो कम, क्योंकि उसको पता होती है कि उसने उस स्टेज पे हर किताब पे बहुत मेहनत की होती है। बट हाँ, कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें हैं मेरी जून में, जो थर्ड किताब है मेरी, उसमें ख़ास चीज़ ये है कि वो सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, वो पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है। हबा खातून की पोइट्री क्रिएट करती है, और कहीं ना कहीं हम सब की ये किताब सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी है और हम सब की किताब है। तो ये चीज़ मुझे उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो किस चीज़ ने आपको मुतासर किया है कि आप हबा खातून के इतने क्लोज गई है कि आपने किताब लिखी है। मुतासर मुझे कश्मीर ने ही किया। क्यों हबा खातून? क्योंकि बचपन से ही हबा खातून की मिसालें सुनती आ रही हूँ कि किस तरीके से ससुराल में उनको बहुत ज़्यादा दुख था, या फिर यू नो डेस्टिनी वगैरह जब भी देखते हैं लल दैद और हबा खातून की मिसालें दी जाती हैं। और जो एक औरत होती है, जब भी एक लड़की होती है ना, तो बचपन से ही उसको सिखाया जाता है ऐसे रहो वैसे रहो, उसकी चीज़ें करेक्ट की जाती है, उसको प्रिपेयर किया जाता है ससुराल के लिए। अभी वो 2 साल की, 4 साल की, 10 साल की होती है। सो उस चीज़ ने मुतासर किया कि क्यों ना मैं किस कश्मीर की किसी ऐसी शख्सियत के बारे में लिखूं जो वाकई पढ़ने लायक हो। तो हबा खातून की अगर बात करें तो बेशक वो आइडल है हमारे यूथ के लिए, या अगर हम इससे पहले की जो शायरा है, हबा खातून के बाद जो शायरा आई है, उनका आइडल रह चुकी है। तो आप के कुछ ऐसे शायर जो हबा खातून के आपके दिल के करीब है, जिनसे आप ज़्यादा ही मुतासर हुई हो? हबा खातून का ऐसा कौन सा शहर नहीं है जो पसंद नहीं आता, जो रिलेट नहीं कर पाता है इंसान। चाहे वो उनकी खुदा से गुफ्तगू होती है, रह बख्श तम सर परवरदिगारो से क्यों वाती हो म्यान मरने, और कहीं कहीं पे हम बोलते हैं कि कुछ उन्होंने अपने बिलव्ड के लिए लिखा, लेकिन हमें पता नहीं है कि बिलव्ड किन को वो बोल रहे हैं। क्या वो यूसुफ शाह चक के लिए लिख रहे हैं, या फिर वाकई में वो खुदा के लिए ही लिख रहे हैं। ज़िंदगी के हर एक शोबे पर उन्होंने लिखा है। रंग रंग थोड़ी नहीं
क्रालन बानई ब्योन ब्योन कोरनक नकोश। ऐसा नहीं है कि हम सब जो है खुदा की क्रिएशन है, लेकिन सब अपने अपनी जगह बहुत डिफरेंट है। सो ये हर एक चीज़ है जो हबा खातून की मुझे पसंद है। तो कैसा रहेगा आपकी ज़िंदगी का आने वाला सफ़र? क्या ये लिखने का जो आपका सफ़र है, क्या ये बरकरार रहेगा? डेफिनेटली, एक बार जो काम शुरू किया वो बंद तो होगा नहीं, बट कोशिश बस यही रहेगी कि जून से भी कुछ और सक्सेसफुल चीज़ें आएँ जो ना सिर्फ मेरे लिए सक्सेस लाए, बट कहीं ना कहीं मैं अपने कश्मीर में यू नो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ। बिकॉज आफ्टर ऑल एज अ राइटर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने कश्मीर को आगे लेके जाऊँ। तो आज की अगर हम बात करें, आजकल का यूथ जो है हमें बहुत सारे गलत कामों में देखने को मुलवस जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे हम ड्रग्स की बात करें या साइबर क्राइम की बात करें, चोरियों की बात करें, तो जो हमारा यूथ है इन गलत कामों में मुलवस है। आप भी आजकल का यूथ हो, लड़कियों की अगर हम बात करें तो लड़कियां भी जो है गलत कामों में मुलवस है। एज अ कश्मीरी, एज अ न्यू जनरेशन ऑफ कश्मीर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे यूथ को? अगर मैं यूथ को मैसेज भी दूं, उनको समझ नहीं आएगी वो, बिकॉज उनके लिए वो उन्हें नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं। किसको लगता है कि मैं साइबर क्राइम में हूँ और मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? अगर उसको पता हो वो गलत कर रहे हैं, वो क्यों वो बात करेगा ही? अगर कोई ड्रग कर रहा है, उसको मैं बोलूँ तुम गलत कर रहे हो, अगर उसको पता हो कि वो गलत कर रहे हैं, सो वाई वुड इवन डू दैट? तो इस सब में मुझे लगता है कि हमें यूथ से ज़्यादा सोसाइटी को मैसेज देनी चाहिए, जिनको पता है कि भाई वो बच्चा गलत कर रहा है, वो बच्चा गलत कर रहा है, और फिर भी हम उनको टीज़ किए जा रहे हैं, प्रेशराइज किए जा रहे हैं, शायद अच्छे मार्क्स लाने के लिए, शायद नेबर के बेटे से कंपेयर कर रहे हैं, यू नो एज अ पेरेंट्स और एज टीचर्स और कोई भी हम नेबर्स होते हैं तो हम हमेशा ना टॉन्ट करते रहते हैं, जो उनको शायद से प्रेशराइज करता है कि शायद मुझे लगता है ज़्यादा मार्क्स लाने से अच्छा मुझे ड्रग्स करना है, और उनको वो चीज़ गलत नहीं लगती है। सो मेरी मैसेज ना कि यूथ के लिए बट उन लोगों के लिए रहेगी जो देख रहे हैं यूथ को गलत करते हुए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखो आप इसको किस तरीके से इस भवंडर में से बाहर निकाल सकते हो, ना कि आप इसको और वापस धकेलो अपनी हरकत। यहाँ पे आपने पेरेंट्स की बात की, तो माँ बाप यहाँ पे आ गए, तो जो आपने ये शोभा चुना है किताब लिखने का, तो आपके जो वालिदैन है उनका कैसा रोल रहा है आपका इसमें? सी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा माँ बाप के सपोर्ट के बगैर या उनके उनके यू नो किसी भी चीज़ के बगैर आगे बढ़ सकता है। कोई बोलेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। डेफिनेटली इनिशियली माँ बाप जो हैं वो कोई नई चीज़ एक्सेप्ट करने में डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने बच्चे को, उनको लगता है, इट्स नॉट लाइक ओनली लगता है, उनको पता है कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि हम अपने बच्चे को सही राह दिखाए। और यू नो अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो कश्मीर में लिटरेचर का उतना स्कोप नहीं है, एंड जब कोई ऐसा होता है जो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता है उसके लिए मेडिकल या नॉन मेडिकल लेना अच्छा माना जाता है। तो इनिशियली मेरे पेरेंट्स भी रिलक्टेंट थे कि क्या मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल रह सकती हूँ, दे डिडंट वांट मी टू यू नो रूइन माई लाइफ। लेकिन फिर जैसे ही मैंने उनको समझाया और जैसे उन्होंने देखा कि नहीं बहुत लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, उसके बाद उनका सपोर्ट तो मेरी तरफ का अच्छा सपोर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सपोर्ट रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ। तो हमारे साथ बात कर रही थी कश्मीर की एक छोटी बेटी जिन्होंने कम उम्र में जो है 3 किताबें लिखी है। आगे भी जो कश्मीर के हवाले से आप तक रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डार फैरोज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।